नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज, आम जनता की आवाज, ताजा तरीन खबरों के साथ। खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन सीतापुर द्वारा कृषि व्यापार में नकली खाद, बीज एवं कीटनाशकों बेचने तथा दुकान में अवैध वसूली के संबंध में जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। ये बताइए कि आज आप लोग काहे के लिए आए, क्या मांगे हैं, क्या नाम है? हमारी मांगे माननीय डीएम साहब के सामने, हम अपने समक्ष खाद व्यापारी गण एकत्रित होते हुए खुदरा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन का विरोध करते हुए हम अपनी मांगे, अपना ज्ञापन डीएम साहब के पास पेश करने आए हैं। हम समस्त खाद व्यापारियों को इन खुदरा व्यापारी संगठन के चलते व्यापार करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और खुदरा व्यापारी संगठन में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ व्यापारी हैं जिनका खाद का काम है और कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनका खाद का काम नहीं है। अतः हम श्रीमान जी से निवेदन ये करना चाहते हैं कि जितने दुकानदार हैं जो खाद का काम कर रहे हैं उनको खाद के काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, समय से माल नहीं मिल पा रहा है। विभाग और खुदरा व्यापारी एसोसिएशन संगठन के चक्कर में जो मतभेद चल रहा है इसके कारण हम समस्त व्यापारी गण अपना पक्ष रखने के लिए जिला अधिकारी महोदय के पक्ष में आए हुए हैं। माननीय जिला अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी जिनके अवरोध में ये लगाए जा रहे हैं आरोप की अवैध वसूली, उसका हम लोग पूर्णतया विरोध करते हैं। आज तक कोई वसूली नहीं हुई है, हम लोगों को कायदे से काम किया, मतलब काम कर रहे हैं, हम लोग अपना संतुष्ट है। मेरा नाम मुकुंद तिवारी। जो फर्जी आदमी है वो संतुष्ट नहीं है।